रोड बेस बसों के ड्राइवर गजब के क्रिएटिव हैं। इनके आगे इंजीनियर भी फेल है। अब मेरठ की ये तस्वीरें ही देख लीजिए। शनिवार को सोहराबगे डिपो की बस UP-15BT-2162 मेरठ से मुरादाबाद जाने के लिए तैयार थी। यात्री बैठ चुके थे और ड्राइवर भी सीट पर आ गया था। इसी बीच बारिश होने लगी तो ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर वाइपर चलाया। कई कोशिशों के बाद भी वो चालू ना हुआ तो उसे तरकीब सूझी। उसने वाइपर का एक सिरा सूतली से बांधा और दूसरे पर वजन के लिए पानी से भरी बोतल टांग दी। ड्राइवर ने एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे से वाइपर वाली सूतली संभाली। ड्राइवर की इस क्रिएटिविटी का वीडियो वायरल हो गया। लोग भले ही ड्राइवर की तारीफ कर रहे हों, लेकिन लखनऊ में परिवहन निगम मुख्यालय के अधिकारियों की बड़ी फजीहत भी हुई। आनंद फानन सेवा प्रबंधक को वाइपर बदलवाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद नया वाइपर लगाकर बस रवाना की गई। परिवहन निगम मुख्यालय ने मामले की जांच का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार जब कहने के बाद भी खराब वाइपर ठीक नहीं करवाया गया तो ड्राइवर ने मजबूरी में ये जुगाड़ निकाला। हालांकि इससे पहले भी रोडवेज की बसें ऐसी ही तरकीबों पर दौड़ती नजर आ चुकी हैं। रोडवेज बसों के वाइपर आए दिन खराब होते रहते हैं, ऐसे में ड्राइवर भी नए नए जुगाड़ लगाते हैं। वर्ष 2016 में कानपुर से लखनऊ आ रही बस का बारिश के बीच वाइपर खराब हो गया। इस पर ड्राइवर ने बस रोकी और पूरे शीशे पर नींबू रगड़ दिया। यात्री ने जब ये देखा तो सोच में पड़ गए। बस दोबारा चली तो बारिश की बूंदे नींबू लगे होने से शीशे पर चिपक नहीं रही थी। ऐसे में ड्राइवर का ये जुगाड़ काम कर गया। लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा दी थी। हालांकि चार्जिंग पॉइंट न होने से चंद दिनों में इसका संचालन ठप हो गया। ऐसे में CNG बसों को इलेक्ट्रिक के रंग में रंगवा कर चलवा दिया। मामला खुला तो अधिकारियों की खासी फजीहत हुई। फिलहाल मेरठ रीजन के सेवा प्रबंधक सत्यनारायण का कहना है कि डिपो पर ही बस के वाइपर को जुगाड़ से चलाया गया। इसके बाद तत्काल नया वाइपर बस में लगवा दिया गया।